सहस्रपाद किशोरभावे सहस्रनामने पुरकाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। नमस्कार, आज आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक्सपेरिमेंटल लाइफ एनर्जी मीटर। तो एक्सपेरिमेंटल लाइफ एनर्जी मीटर, ये हमारी जो लाइफ एनर्जी है, ऑर्गन एनर्जी है, या जो जैव ऊर्जा है, ये उसकी मेजरमेंट करता है, उसके बारे में बताता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी सेंसिटिविटी रेंज को पहले ऑन करते हैं। इसको हमने 1 पे किया, 1 पे करते ही सुई जो है एकदम फ्लक्चुएट करती है, तो फोर्स के माध्यम से सुई को हम पहले 0 पे लाते हैं रीडिंग को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको 0 पे लेके आ गया। और अगर सेंसिटिविटी का लेवल और अधिक बढ़ाना है तो इसको फिर हम जो है 10 पे लेके आ जाते हैं, यानी ये 10, 100, 1000, 2000 तक जा सकती है हाई सेंसिटिविटी रेंज। फिर जो ये नीडल है इसको फिर हम दोबारा 0 पे फिक्स करेंगे ताकि सही रीडिंग आ सके। तो ये हमने इसको 0 पे फिक्स करना है, ये हमने 0 में फिक्स कर दिया, ये 0 में फिक्स हो गया आपका। और कोई भी चीज़, चाहे वो ऑर्गेनिक चीज़ हो या इंसान की खुद की एनर्जी, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, एनर्जी मीटर के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। अब हम जो है, हमारे पास एक जो है श्री यंत्र है जो कि सिल्वर प्लेट पर बना हुआ है और गोल्ड पॉलिश हो रखा है। तो ये श्री यंत्र को जो है, इसमें ये जो सेंसर होता है बीच में, ये ब्लू स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे कि उंगली रखते ही ये एकदम सेंस करता है एनर्जी को। तो इस ब्लू स्क्वायर पे मैंने इस श्री यंत्र को रखा और इसकी पावर दिखा रहा है ये 12, इसकी ये पावर दिखा रहा है 12, सेंसिटिविटी 12 से थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है ये। और थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और शालिग्राम जी से इसको छुआते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, फिर जो है स्फटिक शिवलिंग से इसको छुआते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव होता है। क्योंकि शालिग्राम जो होता है, शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का वास बताया हुआ है और बहुत ही एनर्जेटिक मानी जाती है। ये कोई स्टोन नहीं है बल्कि डिवाइन स्टोन है। और स्फटिक भी ऊर्जा का भंडार होता है, क्रिस्टल ऊर्जा का भंडार होता है। तो अब हमने ये यंत्र को छुआ करके, श्री यंत्र को भगवान की प्रतिमा से, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें कुछ चेंजिंग आता है। तो ये आपका पावर इसकी आ गई है 19, तो 19 पावर। तो एक छुआने मात्र से, मतलब शालिग्राम शिला के स्पर्श से और स्फटिक शिवलिंग के स्पर्श से एनर्जी का लेवल एकदम इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये इस चीज़ से प्रूव हो रहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो डिवाइन चीज़ें होती हैं, उनके स्पर्श मात्र से, उनके पूजा से इंसान को कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, ये इस बात से सिद्ध हो जाता है। ओम शांति।